दिल्ली एनसीआर में पिछले 3 दिन से बारिश जारी है। अगले 2 दिन के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली में 6 जनवरी की दोपहर से मौसम साफ होने की उम्मीद है, लेकिन ठंड से राहत नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक 7 जनवरी से दिल्ली में शीतलहर का दूसरा दौर शुरू हो सकता है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। सुबह सुबह कोहरे से सामना होता है दिल्ली और एनसीआर वासियों का, वहीं बारिश का ऑरेंज अलर्ट अगले 2 दिन के लिए जारी कर दिया गया है। 3 दिन जो बीते हैं उसमें भी रुक रुक कर बारिश होती रही है, जिसकी वजह से ठंड भी बढ़ गई है। लेकिन राजधानी में अभी राहत नहीं है। 7 जनवरी से एक बार फिर से ठंड का प्रकोप दोबारा शुरू हो जाएगा। कई दिनों से धूप भी ठीक तरीके से नहीं निकली है और मौसम का ये जो ट्रिपल अटैक है, बारिश, कोहरा और साथ ही ठंड, इससे दिल्ली वाले परेशान हैं। आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। आशुतोष, क्या कहना है मौसम विभाग का, कैसा रहने वाला है अगले कुछ दिन तक मौसम? कम से कम अगले 48 घंटे तो राहत नहीं मिलने वाली है। और इतना ही नहीं, सिर्फ दिल्ली एनसीआर नहीं बल्कि आसपास के उत्तर भारत के ये जो मैदानी इलाके हैं वहां पर मौसम ऐसा ही रहेगा। इतना ही नहीं, ये जो पश्चिमी विक्षोभ है, हम पहाड़ों में देख रहे हैं कि वहां बर्फबारी जो है वो लगातार हो रही है और उसी के चलते यहां पर ये बेमौसम बरसात लेकर के आई। और जाहिर है कि लगातार सुबह, हालांकि जब तापमान 15-16 डिग्री था, फिर जैसे ही बरसात जो तेज हो रही थी सुबह वो रुकी है, तो इस समय पारा फिर से 7 से 8 डिग्री पर आ चुका है। तो जैसे ही बरसात बंद होगी ये और लुढ़केगा, तो ठंड तो बढ़ेगी ही, साथ ही सबसे बड़ा खतरा फसलों को होगा। खेतों में जो खड़ी फसल है ऐसे में उसको बारिश से नुकसान हो सकता है। लेकिन इस बीच जब हम ये जानते हैं कि दिल्ली की सीमाओं पर किसान बैठे हैं, उस बरसात का सबसे ज्यादा सामना उनको करना पड़ेगा। पुलिस की ड्यूटी है, पैरामिलिट्री की ड्यूटी है, लेकिन मौसम विभाग ने भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया। कम से कम अगले 48 घंटे तक फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं है। और सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं, आसपास के तमाम ये जो मैदानी इलाके उत्तर भारत में, वहां ऐसे ही मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ेगा, ठंड बढ़ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो दिल्ली नहीं, इस वक्त पूरे उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बेहद बिगड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बर्फबारी से हालात गंभीर हैं। इसका असर पहाड़ी राज्यों, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ मैदानी राज्यों में भी देखा जा रहा है। धरती की जन्नत कही जाने वाली कश्मीर घाटी पूरी की पूरी सफेद हो चुकी है। 24 घंटे से जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। ऐसे में जहां तक नजर जाती है वहां तक बर्फ ही बर्फ दिखाई देता है। सड़कों से लेकर घरों तक और रास्तों से लेकर पहाड़ों तक बर्फ की मोटी चादर बिछी है। इस सफेद आफत की वजह से ऐसा संकट खड़ा हो गया है कि पूरी कश्मीर घाटी देश और दुनिया से कट गई है। जम्मू से कश्मीर घाटी में आने वाला रास्ता बंद है, वहीं हवाई रास्ते पर भी बर्फ भारी पड़ी है। 24 घंटे से हो रही बर्फबारी की वजह से हालात ऐसे हैं कि लगातार दूसरे दिन भी श्रीनगर हवाई अड्डे पर ना किसी विमान की लैंडिंग हो रही है, ना ही कोई विमान टेक ऑफ कर सका है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को बर्फबारी की वजह से बंद कर दिया गया है। जवाहर सुरंग के पास जबरदस्त बर्फबारी हुई है, वहीं नेशनल हाईवे पर कई जगहों से चट्टाने खिसकने की खबर है, जिसकी वजह से इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। देश के किसी भी हिस्से से इस नेशनल हाईवे की तरफ आने वाले वाहनों को रोक दिया गया है। वहीं कश्मीर से जम्मू जाने के लिए भी गाड़ियों को छोड़ा नहीं जा रहा है। जो सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठाने वीकेंड में कश्मीर घाटी आए थे वो अब यही फंस गए हैं। भारी बर्फबारी की वजह से कई जगहों पर बिजली के तार भी टूट गए हैं, जिसकी वजह से कई इलाकों की बिजली गुल है। लोगों को जरूरी चीजों के लिए भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा तो लग रहा है, लेकिन बहुत मुश्किल सामना करना पड़ रहा है। बहुत मुश्किल है, बहुत हर चीज की मुश्किल है। लाइट नहीं है, प्रॉब्लम, इंटरनेट सर्विस बंद है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, फूड शॉप बंद है, बहुत है, मेडिसिन नहीं मिल रहा है, काफी वीकनेस हो रही है, लोगों में बहुत परेशानी है। कश्मीर घाटी में रविवार से ही बर्फबारी जारी है। हालात पहले ही मुश्किलों भरे हैं, लेकिन इस मुश्किल को मौसम विभाग की चेतावनी ने और बढ़ा दिया है। उसके मुताबिक अगले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर घाटी भारी बर्फबारी की जद में आने वाली है। बर्फबारी की वजह से पारा भी गिरता जा रहा है, वहीं सड़क पर चलना खतरे से खाली नहीं है। श्रीनगर के अंदर के इलाकों में इतनी बर्फ जमी है कि छोटी छोटी सड़कें बंद हो गई हैं। वहां रहने वालों के लिए आपात स्थिति में बाहर निकलना भी मुश्किल है। वहीं कश्मीर को पूरे देश से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे नंबर 44 पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। जवाहर सुरंग के पास भारी बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से रास्ता बंद है, लिहाजा इन गाड़ियों को उधमपुर में ही रोक दिया गया है। यहां भी बीती रात से जोरदार बारिश हो रही है, सैकड़ों गाड़ियां और उनमें सवार लोग बीच रास्ते में ही फंस गए हैं।
अशरफ वानी, श्रीनगर आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।